जैसे कि आप सभी जानते हो एवरी सैटरडे हमारे यहाँ पर 1600 मीटर का टेस्ट होता है और आज जो अग्निवीर का टेस्ट हुआ था उसके अंदर तीसरा स्थान हासिल किया है सुभाष बिश्नोई। जोरदार तालियां सुभाष बिश्नोई के लिए। कितना टाइम था? 5:24 लेकर के अपने इस ग्राउंड के अंदर आज तीसरा स्थान हासिल किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। किसकी तैयारी कर रहे हो? आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं ये। कितने दिन से कर रहे हो? 1 महीना 20 दिन हुआ। कुछ इम्प्रूवमेंट है आप में? कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? सर पहले 5 फीट 30 था, 5:24। तो आप जो कहाँ से हैं? आप पाली से। पाली से हैं। पाली के आसपास के लोगों को कोई मैसेज देना चाहोगे, बच्चों को जो तैयारियां कर रहे हैं? देना चाहूँगा। अच्छा तैयारी करवा रहे हैं इधर, अच्छा फिजिकल वा रहा है, अच्छा हॉस्टल में रहेंगे। तो अभी क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में कि अभी जो भर्ती होगी उसमें मेरा हो जाएगा? कॉन्फिडेंस तो है सर, तालियां बजा ली। और इसी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है सुनील बिश्नोई। जोरदार तालियां सुनील। कितना वक्त हो गया आपको तैयारी करते हुए? 2 मंथ हो गए। 2 मंथ में कुछ इम्प्रूवमेंट है आप में? कितना इम्प्रूवमेंट? फर्स्ट बार 5:38 आया सर, बाद में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अभी क्या लग रहा है कि भाई आप यहाँ रह करके सिलेक्शन ले पाओगे? तो अभी जो आपके आसपास के इलाके से जो बंदे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मतलब बढ़िया डिफेंस चुनो और अच्छे ग्राउंड आओ और ग्राउंड मिस मत करो, प्रैक्टिस करते रहो तो हो जाओगे। बिल्कुल सही, जैसा कि इन्होंने कहा है कि आप डेली आओ ग्राउंड के अंदर, रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट होगा और अपनी अकॉर्डिंग आप खुद सेलेक्ट करो आपके लिए बेस्ट कौन सी है, किस जगह आपकी तैयारी हो सकती है और उसे वहां से आप कंसिस्टेंटली तैयारी कीजिए तो आपको सफलता आपके कदमों में होगी। बहुत बढ़िया, वेल डन। इसी के साथ आज का हीरो ऑफ द डे है सुरेश जलावल। जोरदार तालियां सुरेश जलावल। बहुत बढ़िया सुरेश। कितना टाइम था? 5:13 लेकर के अपने इस ग्राउंड में आज का हीरो ऑफ द डे का खिताब है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। कैसा लग रहा आज हीरो ऑफ द डे लेकर? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ से हो आप? झालावाड़ से। कितने दिन हो गए आपको तैयारी करते हुए? 3 महीने। 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था आप में? सर बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अभी क्या लग रहा है कि आप यहाँ रह करके तैयारी करते हुए सिलेक्शन ले पाओगे? सर बिल्कुल ले पाऊंगा। तो आप झालावाड़ के एरिया से जो बच्चे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको बोलना चाहूंगा सर कि एक बार यहाँ आए और तैयारी करें। और इसी के साथ हमारी बेटियों की तरफ से आज तीसरा स्थान हासिल किया है प्रेरणा राठौड़। जोरदार तालियां प्रेरणा राठौड़ के लिए। बहुत बढ़िया। कितना टाइम था? 7:49 लेकर के आज तीसरा स्थान हासिल किया। जोरदार तालियां इनके लिए। किसकी तैयारी कर रहे हैं? BSF हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। कितनी हाइट है आपकी? हाइट मुझे लग रहा है कम है। 159 है। तो 159 के लिए आप दिल्ली पुलिस और SSC GD को भी फोकस कर सकते हो। उनकी तैयारी नहीं कर रहे हो क्या? उनकी नहीं कर रहे हो? सातवें चल रही है। अच्छा सातवें चल रही है। ओके। तो कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर तैयारी करते हुए? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स से आप में कुछ इम्प्रूवमेंट है? यस सर। वेल डन। और इसी के साथ हमारी बेटियों की तरफ से दूसरा स्थान हासिल किया है सुमित्रा। जोरदार तालियां सुमित्रा के लिए। बहुत बढ़िया सुमित्रा। कितना टाइम था? 7:35 लेकर के अपने इस ग्राउंड में 1600 मीटर का एक बेहतरीन शानदार टाइमिंग। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। कहां से हैं आप? जोधपुर से हैं ये। और किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। आपकी हाइट भी ठीक है। अग्निवीर के अंदर काफी बच्चियां जो आउट हो गई है हाइट की वजह से, क्योंकि पहले 152 था और उसे 10 सेंटीमीटर बढ़ा करके 162 कर दिया गया, जिससे काफी इस रनिंग से दौड़ से जो अग्निवीर वोमेन्स मिलिट्री पुलिस थी उस दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन आप अभी तक इसमें बने हुए। तो अभी क्या कैसे लग रहा है आपको? क्या सिलेक्शन हो पाएगा आपका? कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में? तो आप जब जोधपुर जैसे इलाके से हैं जहाँ से इतनी दूर चल के आए हैं, तो जोधपुर एरिया के आसपास जो बच्चियाँ तैयारियाँ कर रही हैं, क्योंकि वहाँ आई थिंक कि वहाँ से पेरेंट्स बच्चियों को भेजते नहीं हैं तैयारियों के लिए, तो आप उन सभी बच्चियों को या उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो?
सर यहाँ आके उनको भेजें और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत बढ़िया, वेल डन कैप्टन। और इसी के साथ हमारी बेटियों में आज का हीरो ऑफ द डे का खिताब है सुशीला। बहुत बढ़िया सुशीला। कितना टाइम था आज आपका? 7:21 लेकर के आज का हीरो ऑफ द डे का खिताब है सुशीला के नाम। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। किसकी तैयारी कर रहे हैं? आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। और आप सी सर्टिफिकेट है? यस सर। आपकी रनिंग क्लियर है और सी सर्टिफिकेट है तो नौकरी तो लगी गई समझ लो है। तो सबसे पहले तो हम आपको बधाई दे देते हैं पहले ही कि भाई अब की बार जो वुमेन मिलिट्री पुलिस है उसका एक भावी सैनिक यहाँ खड़ा है और इंडियन आर्मी इंतजार कर रही है इनका। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। कैसा लग रहा है आज हीरो ऑफ द डे का खिताब लेते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ तैयारी करते हुए? मतलब 2 महीने होने को रखे हैं। 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स में आप में कुछ इम्प्रूवमेंट है? यस सर, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है? तब 8:58 आ रखा था सर टाइम, तो मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। ओके, तो आप जैसे हरियाणा से हैं तो हरियाणा के आसपास जो बच्चियां तैयारियां करें, क्योंकि हरियाणा में काफ़ी बच्चे जागरूक हैं और बच्चियां भी कम नहीं हैं, तो वो सब तैयारियां कर रही हैं, तो वहां पर आर्मी की काफ़ी बच्चियां तैयारियां करती हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप? ये है कि मतलब रेगुलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो ये कट ऑफ की वजह से ये सर एक सिलसिला उठा है, मतलब बहुत सारी बच्चियाँ डीमोटिवेट हो रही है, पर उनको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ लोग गलत कदम भी उठा रहे हैं सर, पर ये गलत है। मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं, क्या हो गया अगर उन्होंने कट ऑफ लगा दी तो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए सर, आई थिंक मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सुशीला ने कहा है कि भाई जैसे अभी कट ऑफ, एक तो सबसे पहले इंडियन आर्मी ने 152 सेंटीमीटर पहले हाइट लेती थी बच्चियों की, और उसी के अंदर अब की बार 162 कर दिया। हालांकि ये देश का मामला है, आंतरिक मामला है, और आर्मी ने जो भी किया है सोच समझ के किया होगा, बट उन बच्चियों का जो पिछले 2 साल से आस लगाई हुई बैठी थी, तैयारियां कर रही थी आर्मी की, और एक ही झटके में उनका दिल टूट गया। लेकिन उसी के साथ में फिर ये चल रहा था कि अब की बार जो कटअप का शायद सिस्टम नहीं आएगा, अब की बार कटअप नहीं आएगी, क्योंकि अब की बार बीआरओ के हिसाब से भर्तियां होगी, ऑल इंडिया की कटअप नहीं जारी होगी, तो ऐसा लग रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो उसके अंदर भी बहुत सी बच्चियां जो पिछले 1.5-2 साल से तैयारियां कर रही थी, उन सभी के साथ काफ़ी एकदम ऐसे धोखा जैसा हुआ, उन्हें लगा कि हमारे साथ धोखा हो गया, बट मैं आपको बताऊँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी सोच है। अगर हम उसके अंदर जो आर्मी ने 152 से 162 कर दिया है और वहीं कटअप जारी कर दी गई है, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज आपके पास और भी ऑप्शन है। आपका वर्दी का जुनून है, आप वर्दी का सपना है, आप वर्दी पहनना चाहते हो, तो वर्दी और तरीके से भी पहनी जा सकती है। आप अगर आर्मी की नहीं हो पा रहा है तो आप SSC GD की तरफ कन्वर्ट हो सकते हो, दिल्ली पुलिस की तरफ कन्वर्ट हो सकते हो, या स्टेट पुलिस फोर्स में जा सकते हो और वहां जाकर के अपना सपना आप पूरा कर सकते हो। तो जो 162 सेंटीमीटर हाइट आर्मी में है, उसी के साथ में 157 आपकी SSC GD में है, वहां से भी आप बॉर्डर पे जा सकते हो। आपका सपना है बॉर्डर पे ड्यूटी करने का, तो आप BSF ज्वाइन करके SSC GD के थ्रू BSF ज्वाइन करके आप बॉर्डर पे जा सकते हो। तो आप अपने सपनों को किसी भी दूसरे तरीके से पूरे कर सकते हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सुशीला ने कहा है कि आपको गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना रास्ता, अपना जो रास्ता है उसे चेंज करने की जरूरत है, और उसी डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करने की जरूरत है। और क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई तैयारी के लिए कैसा है, क्या है यहाँ की तैयारी के लिए? सर बहुत सब बहुत अच्छी तैयारी है सर यहाँ पे भी, और मतलब यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डाइट और रेगुलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि आपकी सफलता के अंदर आपका कंसिस्टेंटली आपका वर्कआउट और साथ ही डाइट इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तालिया। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD के सेपरेट बैचेज हैं, और हमारे यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज के सेपरेट अलग अलग हॉस्टल्स हैं। हमारे यहाँ पर एक शानदार बेहतरीन साइंटिफिक तरीके से तैयारियाँ कराई जाती है, जिसके अंदर आप अपना एक बेहतरीन कुछ ही समय के अंदर एक शानदार रिजल्ट दे करके आप अपने वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। तो अगर है आप में जिद, जो जुनून कुछ कर गुजरने का, चाहते हो अपने सपनों को पंख लगाने की, अगर है आप में जिद, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आ सकते हो। सभी फिट हो, जोश नहीं है, सभी फिट हो, पूछो, 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 पूछो,